प्रोजेक्ट है एसके इंटरप्राइजेज। अब घर बनाना हुआ और भी आसान, एक ही छत के नीचे मिल रहा है सारा सामान, सैनिटरी वेयर, टाइल्स, मार्बल, पेंट, प्लम्बरिंग एवं हार्डवेयर संबंधित सारा सामान उचित मूल्य पे प्राप्त करें। नागेश्वर स्थान रोड, पूरी बाजार, प्रोप्राइटर शौकत खान, सिराज खान, एक बार अवश्य पधारे। दोस्तों सलाम नमस्ते, मैं हूं टीपू टाजन और आप देख रहे हैं पुपरी न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर, इस वक्त मैं मौजूद हूं पुपरी थाने में, जहां पुपरी थाने क्षेत्र के एक गांव में एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया गया, जो असफल होने पर लड़के के द्वारा लड़की के बदन पे पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दिया गया। महज इत्तेफाक ही था कि वो लड़की बगल में बह रही नदी में कूदकर अपनी जान बचाई। इस वक्त मैं मौजूद हूँ उपली थाने पे, जहाँ लड़की के परिजन मौजूद हैं। हम अब आपको सीधे लिए चलते हैं उनके परिजनों से, हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये घटना कैसे और कब हुई। आइए हम सीधे लिए चलते हैं उनके परिजनों के पास। जी कैसे घटना घटी? जी शाम दोपहर को 12 बजे घटना घटी थी। अच्छा। घटना ऐसे घटा था कि मेरे बहन खाना लेकर के वन में गए थे। अच्छा। पिताजी काम कर रहे थे खेत में, तो उसके खाना लेकर के गए थे, तो खाना पापा खाना खाए, उसके बाद पापा खाना खा के हॉस्पिटल में दवा लेने के लिए आ गए, टिपरी आ गए दवा लेने के लिए। अच्छा। तो पापा को घर जाते जाते लेट हो गया था, 12:45 हुआ, तो लड़का लोग आया और जोर जबरदस्ती करने का कोशिश किया, नहीं करने दिया तो जला करके मारने का कोशिश कर रहा। तो बगल में नदी बहता था मेरे घर के बगल में, उसमें मेरी बहन कूद गई, इसलिए अभी उसका जान बचा हुआ है, लेकिन बचने का कोई उम्मीद नहीं। कहाँ उसका इलाज चल रहा है? जी अभी मुजफ्फरपुर मेडिकल हॉस्पिटल में चल रहा है। तो जैसा कि उन्होंने बताया कि पुपरी में प्राथमिक उपचार के बाद उसको बेहतर इलाज के लिए मुजफ्फरपुर रेफर किया गया है, जहाँ उसका इलाज चल रहा है, लेकिन स्थिति उसकी नाजुक बताई जा रही है। आप लोगों को कैसे पता चला कि उसको आग लगा दिया गया? जी हम लोगों को उधर कई आदमी, उधर के घर के आदमी आके इधर हमारे गांव में दूसरे आदमी को बताया, वो आदमी हम लोग को आगे बताया। जी बैंक को आग लगा दिया। जी फिर आप लोग यहाँ से गए? हम यहाँ से गए, हम तो दौड़ नहीं सकते, नहीं बाइक था उस टाइम पे, हम मेरा पैर टूटा हुआ है, तो मैं लंगड़ाते हुए दौड़ते हुए गया, लेकिन बहुत ऐसे जला दिया था कि मुझे वहाँ पे चक्कर आके मैं भी वहाँ पे बेहोश हो गया। तो ये जो लड़का है वो कहाँ का है? जी मधुबनी का ही है, परसौनी मधुबनी का। तो जैसा कि आपने सुना कि लड़की की हालत काफी नाजुक बताई जा रही है, पुपरी पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अब हम बात करते हैं पुपरी थाना प्रभारी श्री विजय कुमार से कि इस मामले में अब तक क्या कार्रवाई की गई है। लड़की को आग लगा करके जलाने की कोशिश की गई थी, उस मामले में अब तक क्या कार्रवाई है? पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए प्राथमिकी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है और इन्हें न्यायालय में पेश किया जा रहा है। आप देख रहे हैं पुपरी न्यूज। पुपरी न्यूज को लाइक शेयर फॉलो करते रहे। पुपरी न्यूज आपकी आवाज, हर पल आपके साथ। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना